हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बॉटनी स्टडी साइंस। लास्ट क्लास में हमने प्लांटी किंगडम के बारे में पढ़ा था। अब इसे सब डिवीज़न में डिवाइड किया है, टू सब डिवीज़न में। फर्स्ट है क्रिप्टोगैम्स, नेक्स्ट है फ्नैरोगैम्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिप्टोगैम्स के बारे में। क्रिप्टोगैम्स में जो है आगे थ्री पार्ट्स में ही फर्दर डिवाइडेड है। फर्स्ट है थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइटा एंड टाइडोफाइट्स। अगर हम थैलोफाइट्स की बात करें तो थैलोफाइट्स में एल्गा का ग्रुप्स आता है। तो ना एल्गा के पास अपनी रूट होती है, ना स्टेम होती है, ना लीफ होती है। उसके पास जो स्ट्रक्चर है उसे हम बोलते हैं थैलस। ग्रीन कलर की होती हैं, तो ऑब्वियसली इसमें फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट होती है। और ये जो है नॉन वैस्कुलर होते हैं, इनमें कंडक्शन के लिए जो है ज़ाइलम फ्लोएम प्रेजेंट नहीं होते हैं। यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ जो है मल्टीसेलुलर होते हैं लार्ज। आगे अगर इसकी एम्ब्रियो की फॉर्मेशन एम्ब्रियो की बात करें तो यहाँ पे एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है, पर उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। एल्गा जो है फ्रेश वाटर, मेराइन वाटर यहाँ सब में देखने को मिलता है। मॉइस्ट सोइल यानी कि शेडो प्लेसेस पे, ट्री ट्रंक पे आपको एल्गा देखने को मिलेगा। कभी कभी एल्गा जो है ग्रो करता है ग्लेशियर में 80 डिग्री सेल्सियस पे। कुछ एल्गा ग्रो करता है एनिमल्स की बॉडी के ऊपर। रेड शेड ऑफ जो है रेड कलर का एल्गा जो है उसकी वजह से क्या हो जाता है, वाटर का कलर भी कैसा हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। एल्गा आर एक्वाटिक, वाटर में रहता है तो ये एक्वाटिक होंगे। ग्रीन कलर के हैं, इसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। और जो एल्गा का डिफरेंट कलर है वो उसके डिफरेंट पिगमेंट की वजह से आता है, कैरोटीनॉइड्स की वजह से आता है। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होती है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है विद द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंट के थ्रू होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन माइक्रोस्पोरिंजियम और स्पोर के थ्रू इनकी जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अगर हम यहाँ पे फ्रेश वाटर के एग्जांपल की बात करें तो फ्रेश वाटर में जो एल्गा प्रेजेंट होता है, वॉलवर्क्स, स्पाइरोगायरा, क्लोमेडोमोनास, ये हमें फ्रेश वाटर में देखने को मिलता है। आगे मोस्ट ऑफ द रेड एल्गा जो है आपको सी वाटर में, ब्राउन एल्गा, रेड एल्गा हमें सी वाटर में देखने को मिलता है। एग्जाम्पल है लैमिनेरिया फिकस। एल्गा से हमें आयोडीन मिलता है और जो अदर वैल्यूएबल सब्सटेंसेस है लाइक अगार, अगार जो कि सोल्डिफिकेशन में चीज़ों को सोल्डिफाई होने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है एल्जिन नामक ब्रोमाइड, एल्गिन ब्रोमाइड हमें ऑब्टेंड होता है एल्गा से। एल्गा में जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन कैपेबिलिटी होती है जो कि हेल्प करता है, इसकी नाइट्रोजन फिक्सेशन में सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है। साइनोबैक्टीरिया,